भारत तिरंगा किसने बनाया राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। दुनिया में सभी देशों का अपना एक एक अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, कीट, राष्ट्रीय ध्वज, फूल, मिठाई। सभी देशों की ये एक एक राष्ट्रीय चीजें होती है और उन चीजों को देश की सबसे अच्छी चीजों में से चुनकर राष्ट्रीय चीजें बनाई जाती है। जो कि देश के लोगों को सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है उसे ही राष्ट्रीय चीज बनाया जाता है। और सभी देशों का एक राष्ट्रीय ध्वज भी होता है जो कि किसी देश की निशानी होती है। और सभी देशों का अपना एक अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज होता है। इसी तरह ही भारत का भी एक राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगे के नाम से जानते हैं और यह भारतीय लोगों की शान माना जाता है और दुनिया के सभी देशों के अलग राष्ट्रीय ध्वज होते हैं। तो आज हम आपको इस पोस्ट के अंदर भारतीय ध्वज के बारे में बातें करेंगे। हम आपको इस पोस्ट में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में बताएंगे, कब से लेकर कब तक राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए और कितने बदलाव इन राष्ट्रीय ध्वज में किए गए। क्योंकि हमारे देश के ध्वज का इतिहास बहुत पुराना है और यह समय समय पर बदलते रहे और इनके अंदर कभी कुछ कभी कुछ कभी किसी तरह का कभी किसी तरह का बदलाव होता रहा, जिसके कारण हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज एक नहीं रह सका। लेकिन अब आजादी के बाद सिर्फ हमारे देश का एक ही राष्ट्रीय ध्वज है। उस राष्ट्रीय ध्वज को हमारे देश के लोग तिरंगा कहते हैं और यह आपको हमारे देश की सभी सरकारी चीजों के अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे कि संसद भवन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी सरकारी ऑफिस या किसी सरकारी संस्था, यहाँ आपको हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ मिल जाएगा। तो हम आपको इस पोस्ट में हमारी तिरंगे के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी और रोचक तथ्य इसके अंदर इस पोस्ट में बताएंगे। तो नीचे आप हमारे देश के तिरंगे के बारे में जानकारी जरूर पढ़ें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। हमारे देश की आजादी के समय में अलग अलग तरह के ध्वज का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले भारत में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में ध्वज फहराया गया था। इसके अंदर 3 रंग थे, सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। हरे रंग के ऊपर कमल के फूल के निशान थे, बीच में पीले रंग के ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे लाल रंग के ऊपर एक चांद और सूरज का चित्र बना हुआ था। इमेज सोर्स विकिपीडिया ऑग। उसके बाद 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस सभा में फहराया गया था, जो कि पहले वाले झंडे की तरह ही था, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इसके अंदर छोटे मोटे बदलाव किए गए थे और सब कुछ पहले ध्वज जैसा था। उसके बाद 1917 में एक और ध्वज बनाया गया है। यह ध्वज पहले बनाए गए दोनों ध्वजों से बिल्कुल अलग एक नया ध्वज था। इसके अंदर 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की पट्टी लगाई गई थी और इसके अलावा इसके अंदर 7 स्टार को लगाया गया था और एक चांद को लगाया गया था। यूनियन जैक के साथ इसको बनाया गया था। 1921 में गांधी जी को विजयवाड़ा के रहने वाले नौजवानों ने एक ध्वज डिजाइन करके दिया जो कि पहले वाले तीनों ध्वज से बिल्कुल अलग था। इमेज सोर्स विकिपीडिया ऑग। इसके अंदर सिर्फ लाल और हरा दो ही रंग लगाए गए थे। लाल रंग हिंदू और हरा कलर मुस्लिम को दर्शाता था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि इसके साथ सफेद कलर को और जोड़ दिया जाए ताकि बाकी सभी धर्मों के लोगों को सफेद रंग दर्शाए। और इस झंडे को पहले वाले तीनों ध्वज से अलग डिजाइन किया गया था। इस ध्वज में इसके अंदर चरखे के निशान को लगाया गया था और यह चरखा ध्वज के अंदर लगाने का तरीका हंसराज जी का था, लेकिन इस झंडे का डिजाइन करने के बाद इसको बनाने का काम महात्मा गांधी जी ने पिंगली वेंकैया जी को दिया। लेकिन यह ध्वज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रतीक था जो कि पूरे भारत के अंदर इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी बुक द लास्ट डेज ऑफ द राज में लिखा, आज के समय में जो हम ध्वज इस्तेमाल करते हैं उसका डिजाइन हैदराबाद की सुरैया जी ने किया था, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थी।